Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. जिस तरीके से आपने ओपनिंग साझेदारी की बात करी जाए, 50 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप घर पर काफी समय बाद लगी है। हमने देखा भी जिस तरीके से कानपुर में ये दोनों बल्लेबाज थे और कानपुर की जैसे सतह थी वहां पर मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उनके बल्ले पर गेंद आ रही नहीं थी, थोड़ी सी स्लो थी पिच। यहाँ पर जैसे ही उनको अपनी परिस्थितियों के अनुकूल मिली पिच, दोनों ही बल्लेबाजों ने शॉट मेकिंग दिखाई, चाहे वो शुभमन गिल हो चाहे मयंक अग्रवाल। कितना प्रभावित आप उस साझेदारी से? देखिए, मुंबई के विकेट पे ना ये सारी चीजें बल्लेबाजों के लिए आसान कर देती है चीजें कि अतिरिक्त उछाल जरूर होता है तो आप शॉट्स खेल सकते हो। अगर आप कानपुर की विकेट देखोगे तो उस पे गेंद जितनी आनी चाहिए उतनी आपके बल्ले पे आ नहीं रही थी, तो आपको शॉट मेकिंग उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑन द राइज आप शॉट लगा सकते हो। हमने देखा कि इस टेस्ट मैच के अब तक के खेल में काफी हमें छक्के भी देखने मिले, तो वो भी अक्सर देखने नहीं मिलता। वो क्यों होता है? जब आपकी सतह अच्छी हो, गेंद अगर आपके बल्ले पे अच्छे से आ रही हो और उछाल हो विकेट में, तब आप ये चीजें देखते हो। तो दोनों बल्लेबाजों की इसलिए दाद देनी होगी कि शुरुआती समय में बहुत एक अच्छे इंटेंट के साथ खेले, जिस तरीके की कंडीशंस थे उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों तरीके के आपको शॉट्स देखने मिले। वो बैक फुट पुल भी जो मयंक लगा रहे थे वो भी लेंथ को अच्छी तरीके से पढ़ के लगा रहे थे। एक शॉट उन्होंने स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से भी मारा, तो ये सारी चीजें मतलब एक अच्छे माइंडसेट की निशानियां हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप बतौर बल्लेबाज एक अच्छे माइंडसेट में होते हो ना, तब आपको इस तरीके के सारे शॉट्स देखने मिलते हैं क्योंकि आप अश्योर्ड हो, आपको पता है कि आप लेंथ को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। अगर बतौर बल्लेबाज आप लेंथ और लाइन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते ना, तो फिर वो बल्लेबाज आप कहते हो कि नहीं, अच्छे फॉर्म में नहीं है या अच्छी तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का सबसे मूलभूत सिद्धांत यही है ना, बतौर बल्लेबाज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ऑप्शन कहाँ पे, अगर आपको शॉट्स लगाने तो आपके ऑप्शंस क्या है, और आपके गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझना भी उतना ही जरूरी है। तो मयंक अग्रवाल तो बहुत अच्छा लगे। बिल्कुल, 52 रन 10 पारियों में पहला अर्धशतक आया उनका। और आपने इंटेंट की बात करी, उन्होंने इंटेंट दिखाया, विकेट गिरते रहे। जब हमने देखा वो अजाज पटेल का 2.5 ओवर का स्पेल आया जिसमें उन्होंने 3 विकेट निकाले, उसके बाद भी वो जो आप कवर्स के ऊपर भी शॉट की बात कर रहे हैं वो उन्होंने उसी समय मारा, तो वो उन्होंने दर्शाया कि उनके पास गियर्स चेंज करने की एबिलिटी है। और ये पारी उनके लिए महत्वपूर्ण भी हो जाती है ना जैक, क्योंकि पीछे एक तो इतनी कॉम्पिटिशन है ओपनिंग स्लॉट के लिए, आपको मिली है जगह, यहाँ वो चाहेंगे यहाँ से भी बड़ी पारी बनाना और अपना नाम भी रखना उस कंटेंशन लिस्ट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 सीरीज देखो तो उस तरीके की सीरीज नहीं है जिस तरीके के मयंक से उम्मीदें थी, तो वो भी आपको यहाँ पर एक इनिंग्स का इम्पोर्टेंस दर्शाता है। और क्रिकेट तो इस तरीके से ही चलती है ना, जब आपको एक खराब समय से गुजर रहे होते हो आप उसके बाद आप अच्छे लय में आते हो, तो आपको हर इनिंग का महत्व उतना ज्यादा पता होता है। और आप सिर्फ उस इनिंग के लिए नहीं खेल रहे होते, जो पिछले आपने इनिंग्स गवाई है ना उसकी भी आप भरपाई करने की सोचते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी बल्लेबाज की बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो हम कहते हैं कि उनका एवरेज क्या है, तो एवरेज तो ऐसे ही बरकरार होती है। तो अभी मयंक के लिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ इस इनिंग पे फोकस ना करें, जो पिछली इनिंग्स गवाई है उसको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से भरपाई करें।